नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रबंधन गुरु पर। और आज हम लोग बात करेंगे सर्विस मार्केटिंग की। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर्विस मार्केटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि सर्विस मार्केटिंग क्या है। देखिए, जब भी हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट है मार्केट में उसको क्या करना है और लोगों तक, यानी लोग कौन, जो कस्टमर है जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं उन तक पहुंचाना, उनको सेटिस्फाई करना। जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट का सीधा मतलब होता है फिजिकली अवेलेबल, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, टेंजिबल वस्तुएँ जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यही बात सर्विस मार्केटिंग में करते हैं तो ये एकदम विपरीत होता है। सर्विस मार्केटिंग में सर्विसेज इनटेंजिबल इन नेचर होती हैं, यानी कि सर्विसेज को ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, बस सर्विस को हम क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है सर्विस मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट हैं वो क्या हैं, आपके पीपल जो आपको सर्विस दे रहे हैं, नॉलेज जो उनका ज्ञान है, एक्सपर्टाइज जो उनके उस एरिया में उनका एक एक्सपर्ट है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपर्टाइज कहते हैं। चलिए फिर दोस्तों हम देखते हैं कि सर्विसेज क्या हैं। सर्विसेज एनी एक्टिविटी और बेनिफिट दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर दैट इज एसेंशियली इनटेंजिबल एंड डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। इसका सीधा मतलब क्या है कि किसी भी तरीके की एक्टिविटी या बेनिफिट जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को देती है, जिसमें दो खास बातें होती हैं, इनटेंजिबल यानी कि उसमें किसी भी तरीके की फिजिकल अवेलेबिलिटी नहीं होती है और ओनरशिप नहीं होता है। यानी कि जैसे कि अगर आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपका इलाज किया, उसने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया, तो जो डॉक्टर का नॉलेज है, जो एक्सपर्टाइज है, उसकी ओनरशिप उसके पास है, वो आप तक नहीं पहुंच सकती। चलिए दोस्तों हम देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं सर्विस बिजनेस के। जैसे एयरलाइंस है, कोरियर सर्विसेज है, होटल है, ब्यूटी सैलून्स है, जहाँ पर हम जाते हैं बार्बर हमारे हेयर कटिंग करता है, मसाज करता है, लेकिन किसी भी तरीके से जो सर्विस हम दे रहे हैं, हमको मिल रही है, वो हमको दे रहा है, वो क्या है, इनटेंजिबल है, ओनरशिप हमको नहीं मिल सकती। चलिए अगर हम बात करते हैं इंडिया में सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, इंडिया में जो एस्टिमेटेड जो ग्रोथ है सर्विस सेक्टर का, वो 6.9% है इन कंपेरिजन ऑफ 2018 एंड 2019। 2018-19 में 7.5% था, 2019-20 में GAV ग्रॉस वैल्यू एडेड में अगर हम देखें तो सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 55.3% है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया में सर्विस सेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है कंट्रीब्यूशन के सेंस में, हमारे GDP के सेंस में भी देखा जाए। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि सर्विस मार्केटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर आप देखेंगे तो कई सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए, जैसे लैक ऑफ ओनरशिप, हेटरोजेनिटी, इंटेंजिबिलिटी, इनसेपरेबिलिटी एंड पेरिशेबिलिटी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे लैक ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है स्वामित्व। जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी, जब एक व्यक्ति अपनी सर्विस को दूसरे व्यक्ति यानी कस्टमर तक देता है, तो उस दौरान उसका जो स्वामित्व है सर्विस देने वाले के पास ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम किसी के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, या स्विमिंग पूल में हम गए, स्विमिंग पूल में जाके हमने वहाँ पर स्विमिंग किया, तो उस टाइम पीरियड तक उस हायर्ड सर्विस को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में हमारे पास उसका ओनरशिप राइट्स नहीं आता, जो कि ये महत्वपूर्ण बात है। अगर सर्विस आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ओनरशिप नहीं है, एकदम क्लियर सी बात है। अगर हम लॉयर के पास गए, हम वकील के पास गए, हमने वकील से किसी लीगल एडवाइस ली, तो जब उसने हमको एडवाइस दी तो उस टाइम पीरियड के लिए वो सर्विस उसने उसको दी, लेकिन कहीं से भी ओनरशिप उसका आपको नहीं मिल सकता है। दूसरी अगर हम फीचर्स की बात करते हैं तो इनटेंजिबिलिटी, यू कैन नॉट टच, सीधा सा मतलब है सर्विस को आप प्रोडक्ट की तरह टच नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाइए, लॉयर के पास जाइए, बैंक में आप जाइए, बैंक में आपको अगर किसी तरीके की फैसिलिटी चाहिए, आपको मान लीजिए बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करने हैं, तो आपने क्या किया, अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्या किया, पैसा आपने भेज दिया, आपने क्रेडिट कार्ड लिया, तो वो क्या है, वो एक सर्विस है जो कि आप उसको छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, होल्ड नहीं कर सकते, दैट इज इनटेंजिबिलिटी। बहुत ही एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है सर्विस की। दूसरी अगर हम बात करते हैं इनसेपरेबिलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर।
देखिए, जो व्यक्ति सर्विस दे रहा है, हम उससे उस सर्विस की एक्सपर्टाइज को अलग नहीं कर सकते। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्विस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये जो नॉलेज मैं डिलीवर कर रहा हूँ, आप मुझसे उस नॉलेज को अलग नहीं कर सकते। यानी सर्विस को सर्विस प्रोवाइडर से कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें, हेल्थ एक्सपर्ट्स की बात करें, कहीं की भी बात करें, तो हम उनसे क्या कर सकते हैं, उनसे सर्विसेज ले सकते हैं, लेकिन उनसे सर्विसेज को अलग नहीं कर सकते। फिर हम बात करते हैं अगले फीचर्स की, बात करते हैं पेरिसिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पेरिसिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो सर्विस है उस सर्विस को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं एक निश्चित समय के लिए। जैसे कि आपने ट्रेन में थर्ड एसी में टिकट बुक किया और आप वहां पर जाकर बैठे, तो आप वहां पर क्या करोगे, उस टाइम पीरियड के लिए उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, यानी कि आपने उस टाइम के लिए यूज कर लिया। लेकिन क्या वो समय दोबारा आ सकता है? नहीं आ सकता। तो सर्विसेज में क्या है कि अगर उसी समय उसको यूज नहीं किया गया तो उस दिन के लिए वो सर्विस बेकार हो गई, क्योंकि प्रोडक्ट की तरह हम सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते। इसीलिए क्या कहा गया, पेरिसिबिलिटी जो है इसको आप स्टोर नहीं कर सकते, पेरिशेबल है, एक निश्चित समय में वो खत्म हो जाएगी। फिर आते हैं हम हेटरोजेनिटी की बात करते हैं। देखिए, हेटरोजेनिटी का सीधा मतलब क्या है, विसमानता, मतलब कि समानता ना होना। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, अब हीरो की, अगर हीरो ने अपनी मोटरसाइकिल बनाई है, मान लीजिए सुपर स्प्लेंडर बनाई है, तो सुपर स्प्लेंडर वो जैसे बना रहे हैं उस तरीके की उनकी 1000 पीसेस एक तरीके की हैं। लेकिन अगर मैं यही बात करता हूँ सर्विस में, तो सर्विस टोटली डिपेंड अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर। वो जो सर्विस दे रहा है वो ए की अलग हो सकती है, बी की अलग हो सकती है, सी की अलग, यानी हर व्यक्ति की अपनी अलग तरीके की डिलीवरी ऑफ स्टाइल होती है सर्विस की। इसीलिए सर्विसेज में क्या होती है, हेटरोजेनिटी होती, समानता नहीं होती है। आपका अनुभव अगर मैं बात करूँ, आप जैसे आपने ट्रेन में सफ़र किया, तो आज आपका सफ़र का जो अनुभव है वो कल का जो अनुभव होगा वो सेम नहीं हो सकता। दोस्तों, इसी के साथ ही धन्यवाद मेरे, आपने मुझको सुना, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, अगर आपने सुना है मुझको, धन्यवाद दोस्तों।